हेलो, वेलकम बैक टू एपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेफिडेंशियल प्लॉट प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का जो हमारा फ्रंट रहेगा वो हमारा 24 फीट का रहेगा, जो उसकी डेप्थ रहेगी वो हमारी 56 फीट 6 इंच की रहेगी। अब गाइज मैं आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बता दूँ, उसमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी। एक बेडरूम हमारा उसमें ये रहेगा और एक बेडरूम हमारा उसमें ये रहेगा। इस वाले बेडरूम के बीच हमारा जो रहेगा वो ड्रेस का ये रहेगा और जो उसमें टॉयलेट रहेगी वो टॉयलेट हमारी इसमें ये रहेगी। इस वाले बेडरूम के बीच हमारा खाली स्टोर रहेगी और जो हमारा इसमें एक लॉबी रहेगी, लॉबी से हमारा ये पूजा का रहेगा और ये हमारा ओपन जाल रहेगा। एक हमारा डाइनिंग और इसमें लिविंग रहेगी जो हमारी इसमें यहाँ पर रहेगी और किचन हमारा इसमें यहाँ रहेगा और टॉयलेट हमारी इसमें यहाँ रहेगी और ओपन एरिया यहाँ पर रहेगा और जो आपका रहेगा वो गैस हमारा इसका यहाँ से रहेगा। अब गैस मैं आपका थोड़ी इसकी डिटेल बता देता हूँ, डिटेल हमारी क्या क्या रहेगी। बेडरूम का जो साइज रहेगा वो हमारा 11 फीट का रहेगा, इसकी चौड़ाई जो रहेगी वो 14 फीट की रहेगी। स्टेज की लंबाई 5 फीट की रहेगी, वो चौड़ाई 10 फीट 10 इंच की रहेगी। टॉयलेट की लंबाई 5 फीट की, चौड़ाई 7 फीट 6 इंच की रहेगी। सेकंड बेडरूम की लंबाई 11 फीट की रहेगी, वो चौड़ाई 14 फीट की रहेगी। स्टोर की लंबाई 5 फीट की रहेगी, वो चौड़ाई 6 फीट 6 इंच की रहेगी। और इस लॉबी की लंबाई 11 फीट 10 इंच की, चौड़ाई 18 फीट 8 इंच की रहेगी। इस पूजा की लंबाई 5 फीट की, चौड़ाई 4 फीट की रहेगी। इस लिविंग एरिया की और डाइनिंग की हमारी जो साइज रहेगा वो 14 फीट का रहेगा, लंबाई 14 फीट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 15 फीट 2 इंच की रहेगी। इस किचन की लंबाई 9 फीट 10 इंच की और चौड़ाई 6 फीट की रहेगी। ओपन एरिया की लंबाई 4 फीट की और चौड़ाई 6 फीट की रहेगी। टॉयलेट की लंबाई 6 फीट की और चौड़ाई इसकी 5 फीट की रहेगी। अब गाइस इसके मैं वेंटिलेशन और डोर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके वेंटिलेशन हमारे कहाँ पर रहेंगे और डोर कहाँ पर रहेगा। हमारे इसमें बालकनी जो रहेगी वो हमारी इसकी गाइस यहाँ से रहेगी। हमारा जो बेडरूम है इसमें जो डोर रहेगा, एक डोर हमारे इस बालकनी से यहाँ से रहेगा और सेकेंड जो डोर रहेगा वो हमारे इसका लॉबी से यहाँ से रहेगा और जो वेंटिलेशन रहेगा वो इस बालकनी से यहाँ से रहेगा। हमारा जो उसमें बेड रहेगा वो बेड हमारा इसका गाइस यहाँ पर रहेगा और जो एलसीडी रहेगी वो हमारी इसकी यहाँ पर रहेगी। जो ड्रेस का जो हमारा डोर रहेगा वो डोर हमारा इसका यहाँ से रहेगा और 2 फीट की जो अलमीरा रहेगी वो हमारी इसकी यहाँ पर रहेगी और जो इस टॉयलेट का डोर रहेगा वो डोर हमारा इसका यहाँ पर रहेगा और जो वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा इसका यहाँ से रहेगा। सेकेंड बेडरूम का जो डोर रहेगा वो एक डोर हमारा बालकनी से यहाँ से रहेगा और एक डोर हमारा इसका यहाँ से रहेगा और जो इसका वेंटिलेशन होगा वो बालकनी से यहाँ से रहेगा और जो हमारा इसका बेड रहेगा वो बेड हमारा इसका यहाँ पर रहेगा। स्टोर का डोर रहेगा वो डोर हमारा इसका यहाँ पर रहेगा और पूजा का हमारा ये ओपन ही रहेगा और जो हमारा ये ओपन एरिया है लॉबी का जो वेंटिलेशन रहेगा वो हमारे इस ओपन से रहेगा और जो हमारा लिविंग एरिया रहेगा उसका वेंटिलेशन भी हमारा इसका यहाँ पर रहेगा। जो उसका सिटिंग एरिया रहेगा वो सिटिंग एरिया हमारा इसका यहाँ पर रहेगा और जो हमारी टेबल रहेगी वो टेबल हमारी इसकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है गाइस, और जो हमारा किचन है ये हमारा ओपन ही रहेगा और इसमें यू साइड की हमारी स्लैब रहेगी और टॉयलेट का डोर हमारा यहाँ पर रहेगा और जो वेंटिलेशन रहेगा वो इस ओपन से यहाँ से रहेगा और इसका वेंटिलेशन भी हमारा यहाँ से रहेगा। अगर गाइस आपका प्लॉट साइज सेम यही है तो आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर गाइस आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है गाइस, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसी में है। जो भी गाइस आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर गाइस एपेक्स आर्किटेक्ट्स।